राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी लाइव न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में, और बड़ी खबर की शुरुआत बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण से। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण इन दिनों चर्चाओं में, और चर्चाओं में रहने की वजह है जी हां, महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण। दरअसल लगातार ब्रिजभूषण पर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी सांसद और पहलवानों के अध्यक्ष अगर बात करें तो उनकी अब जो तेवर है वो धीरे धीरे नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इसके पीछे की एक बड़ी वजह है, माना यह जा रहा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह अब जिस तरीके से घिरते चले जा रहे हैं, भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने उनसे किनारा कर लिया है, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह का बचाव किया गया तो मुश्किल आ सकती है, क्योंकि इस साल चुनाव भरा है, अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो जाहिर तौर पर अभी की जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है वो सीधे तौर पर यह बता रही कि क्या आने वाले वक्त में, क्या आने वाले समय के अंदर ब्रिजभूषण शरण सिंह पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। जी हां, उत्तर प्रदेश में एक बड़े बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। उनकी तमाम संपत्ति है, स्कूल, कॉलेज, संस्था तमाम तरीके से बना रखी है, लेकिन अब माना जा रहा है कि उन तमाम संस्थाओं पर, उन तमाम जमीनों पर अब जिस तरीके से जो है काम होगा और लगातार बकायदा छानबीन की जाएगी कि उनके पास जो प्रॉपर्टी है वो लीगल है या इनलीगल है, और क्या वाकई जो स्थिति इस वक्त बनी है वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि आने वाले वक्त में उनकी तमाम संपत्तियों की जाँच होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त सख्त है, और योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कह दिया था जुर्म जुर्म होता है, चाहे वो अपने अपना पार्टी का नेता करे या किसी विपक्ष का, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो क्या एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी योगी सरकार की तरफ से, भाजपा की तरफ से, और क्या अब तमाम उन अवैध निर्माणों पर बुलडोजर भी चलता नजर आएगा। हालांकि ब्रिजभूषण शरण सिंह इस बात को समझ गए कि बीजेपी ने उनसे किनारा कर लिया और ये लड़ाई उन्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी, इसलिए उनके तेवर अब ढीले पड़ते नजर आ रहे, क्योंकि इतना बड़ा जो राजपाट बनाया, जो रसूख उन्होंने बनाए, जो सत्ता उन्होंने बनाई है, वो अब उनके हाथ से निकलती नजर आ रही है। यानी कि मौजूदा समय के अंदर जो हालात हैं वो ये जाहिर तौर पर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में ना सिर्फ एक बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है, बल्कि ये देखा जा रहा है कि किस तरीके के हालात हैं, कि वक्त धीरे धीरे जो है अब वो जो है महिला पहलवानों को जो है मिलता चला जा रहा है, क्योंकि महिला संगठन का पूरा समर्थन मिल रहा है, तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, और जिस तरीके से ब्रिजभूषण अकेले हैं इसका साफ मतलब है कि आने वाले वक्त में ब्रिजभूषण की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि महिला पहलवानों ने उन्हें कोर्ट में घसीटने तक की बात कही है। आज के लिए तहीं, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जा दीजिए, नमस्कार।